Day 23, आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग सिंपल ईमेल्स के बारे में। यू वेरी वेल नो कि जॉब्स रिलेटेड हो गया या बिजनेस रिलेटेड हो गया, आजकल ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है जहां से आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। तो एक सही तरीके से लिखी गई ईमेल बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो चलिए जानते हैं कि ईमेल लिखने में क्या क्या जाता है। सबसे पहली चीज जिसकी हम बात करेंगे वह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम यूज करेंगे किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल ही समझ आ जाए। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन। हमेशा अपनी ईमेल को एक पोलाइट ग्रीटिंग के साथ शुरू करें, जैसे कि डियर मिस्टर शर्मा। फिर आता है हमारा बॉडी ऑफ द ईमेल। तो हमें कोशिश करनी है कि ईमेल के अंदर हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स को लिखें जिसमें हमारा मैसेज बहुत क्लियरली समझ आ रहा हो। फिर आता है क्लोजिंग, जहां पे हम क्लोजिंग रिमार्क देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर रीडिंग दिस मैटर। लास्ट होता है सिग्नेचर, जहां हम अपना पूरा नाम देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। फिर आते हैं कुछ हमारे ईमेल के फ्रेजेस, जैसे कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, या फिर आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट, या फिर कई बार जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हम लिख सकते हैं प्लीज फाइंड द अटैच डॉक्यूमेंट और फाइल, या फिर आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट। तो आज की एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक सिंपल सी ईमेल लिखनी है अपने फ्रेंड के फैमिली मेंबर को, वो स्टेप्स फॉलो करके जो मैंने आपको बताए हैं।